जय उत्तराखंड मुंडे में आपका हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन का आज आखिरी दिन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रवासी लोग पहाड़ों की तरफ बहुत ही अधिक संख्या में पहुंच चुके हैं, लाखों की संख्या में जिले वाइज लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी यहाँ दशा दशा किस तरह थी शहरों की, आप आज हमारे इस खबर में आज देखें कि जो लोग यहाँ थे किस तरह की परेशानी में थे और जब वो लोग पहाड़ गए पहाड़ में कितने खुश हैं, कितने खुश हैं कि वो अपने पहाड़ में ठीक ठाक हैं, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ किराए के मकान में जिस तरह से वो रह रहे थे वहाँ जाकर वह काफ़ी प्रसन्न हैं। आज इसकी हल्दूखाल के आसपास के जो लोग क्वारंटाइन हुए हैं, हल्दूखाल के आसपास के जो लोग वहाँ पहुँचे हैं उन्हें चरमड़ा स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव नेगी ने। उन्होंने वहाँ किसान सत्य सिंह रावत से भी बात की और जायजा लिया, वहाँ के लोगों से बात करी। देखिए यह रिपोर्ट। का दूसरी बिल्डिंग है सामने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो इस टाइम क्वारंटीन में हैं। इनसे मैं सवाल पूछता हूँ, सर आप आइए थोड़ा सा। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे आपको अभी कोई दिक्कत वगैरह प्रदान की कोई सहायता वगैरह? अभी तो दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आप पहले अपना पर्ची दीजिए प्लीज। मेरा नाम राजा राम है, ग्राम खड़े, पोस्ट ऑफिस चमाड़ा। अच्छा आप कहाँ से आए हो सर? दिल्ली से। ओके ओके, तो यहाँ पे रहने के लिए आपके लिए पूरी व्यवस्था है? रहने के लिए व्यवस्था तो पूरी है। अच्छा खाने के लिए आपके लिए? खाने के लिए सब घर से आ गए हैं। अच्छा सब घर से आ रहे हैं। अच्छा वैसे भी प्रधान के थ्रू अभी तक कोई बजट आया नहीं है जिसके द्वारा अभी हम कह नहीं सकते कि आप प्रधान आपको यहाँ पे सहयोग करेगा, क्योंकि अभी हमारी बात विधायक जी से भी हुई थी, जो यहाँ पे विधायक सांसद से हुई थी, तो उन्होंने सीधा उनका कहना है कि अभी फिलहाल कोई भी बजट नहीं आया यहाँ पे प्रधानों के लिए। ठीक है, अगर प्रधान आपसे आपको यहाँ पे पेंट दे दे, सपोज दे यहाँ पे चूना दे दे लगाने के लिए यहाँ पे मैंने, क्योंकि ऐसी जर्जर हालत है अभी बिल्डिंग की इस तरह की है, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, अगर आप दे दे तो आप इस टाइम का बहुत बड़ा सदुपयोग कर सकते हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे 14 दिन के लिए क्वारंटीन तो हो ही, है ना, 14 दिन क्वारंटीन में आप लोग खाली हो, तो क्यों ना आप इतना बहुत बड़ा मैसेज दे सकते हैं जितने भी क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ पर, उन लोगों को भी आप अच्छा मैसेज दे सकते हो। क्या ऐसा कुछ करें प्रधान, क्या आप कर सके, या फिर स्कूल विभाग दिया आपको, है ना, तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को? हाँ जी जी कर सकते हैं आराम से। ओके, तो राय राम जी का कहना है कि यहाँ पे अगर हम लोग 14 दिन के लिए क्वारंटीन में ऑलरेडी हैं, तो हमें अगर कुछ चीज़ें से काम दिया जाए यहाँ पे स्कूल के लिए, क्योंकि इस जगह से वो लोग निकले हुए हैं, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, आज उनके पास अच्छा मौका है इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे वो इसको बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं समाज में। तो उनका कहना ये है कि अगर विद्यालय से या प्रधान से इस तरह कोई भी उनको अगर सहयोग मिलता है यहाँ पे साफ सफाई का रहने का, तो वो लोग 14 दिन तक इस चीज़ को कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं हूँ संजीव नेगी, भौजे माउंटेन, कैमरामैन सौरभ गुसाई। थैंक यू। इस टाइम चमाड़ा गांव में है जो नैनाड़ ब्लॉक में पड़ता है, और यहाँ पे मुझे यहाँ एक ग्राम सभा के आशा मिली हैं जिनसे मैं कुछ पूछता यहाँ पे पूछता हूँ। अच्छा आप ये बताइए, आप पर्चा दे दिया पूरे आप ग्राम, क्या वीना देवी। अच्छा ग्राम सभा चमाड़ा। ओके आशा बहन। ओके अच्छा आप ये जो अवल पंप पकड़ आई, आप कहाँ से, मतलब ये छिड़काव किस कहाँ से आके आ रहे, अभी आ रहे हो आप? मैं स्कूल में। अच्छा स्कूल में। अच्छा स्कूल में जो बोल क्वारंटीन कराची है वहाँ पे इस टाइम वो सफाई के उसमें कार्यरत हैं, तो इस टाइम वो सफाई करके आ रहे हैं। अच्छा आपको क्या लगता है, पूरा सहयोग कर रहे हैं आपके साथ जो क्वारंटीन में इस टाइम? हाँ पूरा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा धन्यवाद जी, आप ऐसे ही लगातार रहिए इसी तरह से, और इस बीमारी से हर एक को लड़ना है हम सबको, ये महामारी पूरा देश इस टाइम झेल रहा, तो धन्यवाद। मैं हूँ संजीव नेगी, वॉइस ऑफ माउंटेन, चमाड़ा। थैंक यू। और यहाँ पे मेरे साथ है क्वारंटीन सेंटर में सबसे बुजुर्ग मुझे दिख रहे हैं, सर आप बताइए, आप पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम? मेरा नाम सोनलाल। अच्छा आपकी उम्र कितनी होगी अभी? मेरी उम्र 60। अच्छा तो आप कहाँ से आए हो सर अभी यहाँ पे? हम देहरादून से आए। अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? आपको हमें हो गया कल आए, हम मतलब 2 रोज हो रहे आज। अच्छा 2 रोज हो रहे हैं, इसका मतलब आपको अभी मतलब 12 दिन अभी और रहना होगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आपके लिए ठीक है व्यवस्था? हाँ फर्स्ट क्लास से मान लिया, रहने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है, इस तरह से आप लोग भी सहयोग कीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिस तरह से बिहार में हो या यूपी में हो, वो लोग उनके पास उनके कोई गाड़ियाँ लगी नहीं है, वो लोग पैदल कम से कम 7-7 किलोमीटर जा रहे हैं अपने घरों में, लेकिन यहाँ पे सरकार ने बहुत अच्छा कर रखा है, वहाँ से उनके लिए गाड़ी लगा रखी है और इस जगह पे, और यहाँ पे ऑलरेडी तो हालत तो पहले से ही हमारे पहाड़ क्षेत्र में स्थिति थोड़ी क्या कहें, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का इस तरह का है कि कुछ कह नहीं सकते, स्थिति बहुत परिस्थिति थोड़ी बिकट है, लेकिन यहाँ पे लोग बाग बिल्कुल कॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे अभी क्वारंटीन में रह रहे हैं बड़ा सहयोग कर रहे हैं,
तो मैं ऐसे सहयोग करते रहे और ऐसे ही मैसेज देते रहे समाज में, तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए भी, और जो बीमारी है उससे जल्द हम सब लड़ेंगे इस बीमारी से, सभी हम पूरा देशवासी जूझ रहे हैं, तो इसी तरह से हम लोग इस बीमारी को यहाँ से दूर भगाएंगे। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, वहाँ से बजाय हमें यहाँ स्कूल में बड़ा सुविधा मिल रहा है, बड़ी अच्छे ढंग से रह रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे आप किस हालत में थे? वहाँ मतलब किराया मकान में थे। अच्छा, तो शहर में ऐसा ही तो होता है। अच्छा, जैसा सभी जगह होता है। अच्छा, मतलब एक कमरे में बंद थे आप? वो तो सबको ही पता है, यहाँ पे कम से कम एक आज खुले में आजाद है, हम हवा खा रहे हैं, अच्छी हवा खा रहे हैं, अच्छी भावना देख रहे हैं। अच्छा, सब कुछ मतलब यहाँ पर सभ्यता सभी ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा था कि लोग बाग बाहर प्रवासियों से कुछ वो कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, सामान्य दे रहे हैं, ऐसा कुछ आपको सुनने में आया अभी कोई? नहीं, अभी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। अच्छा, मतलब आपके साथ बहुत सहयोग कर रहे हैं यहाँ से लोग बाग भी घर से? हाँ, सब सहयोग सही है। अच्छा, अब तक कोई बात कोई संकेत नहीं है। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ सोहन लाल जी, जिन्होंने इसकी जो 60 साल की उम्र है उनकी, उन्होंने बताया कि हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे, गाँववासी पूरी सहयोग कर रहे हैं, प्रधान पूरा सहयोग कर रहा है, तो धन्यवाद आपका जी बहुत। और आप लोग रहिए क्वारंटीन में, उसके बाद अपने घर आप बेझिझक जाइएगा। धन्यवाद। मैं संजीव नेगी वॉइस ऑफ माउंटेन से, और आज हम छो अपर गांव में नैनडाणा ब्लॉक में, और आप मेरे पीछे देखने वाला बनने का काम चलन छ, और ये जो COVID-19 जो एक महामारी के बीच में लोग अपनी आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ कर्मी लगातार और सरकार द्वारा मनने का थ्रू काम चलने, तो वो ले चल दो सामने से बात कर दो कि वे तो वो कला घंटा वो काम कर दी और तक क्या ध्यान मिले दर टाइम से जो सैलरी टाइम से आंद कि नहीं आंद, तो अरे काम के एक चलने उसे बात कर दो, चले चल दुमी आप थे, तो ये बात आप सुन, तो ये बात काम चलने से मनने का थ्रू, और ये गड्ढा खुदा गड्ढा यहाँ मतलब ये हो कि ये से क्या कि जो पानी का जो रोकथाम से जो पहाड़ या शरीर के जो स्रोत छी वो बिसी गई बिल्कुल ही, तो वे कारण से काफ़ी मतलब जो हमारा छुइयाँ होंगी घर में वो सब बिसिक गई, तो वे सही रोकथाम करना कहीं गड्ढा बनाए थे पानी रुके जाले, और वैसे क्या हुआ कि जब यक निरालते या मैं पानी समकालते अग्नि जो ताजा स्रोत छी वो बढ़ाला। नमस्कार बोलिए, सबसे पहला आप परिचय दे दें। भाई मैं आपको चाहिए हो कि मेरे नाम से राधा देवी, मैं केलदार मल्लग रहने वाला छू। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग जो काम कर्म हो यो मनरेगा का थ्रू जो काम चलना चाहिए, ये क्या काम होना चाहिए? तो ये काम हो खंती का गड्ढा बन में। अच्छा अच्छा, मतलब पानी का रोकथाम मतलब है। हाँ, पानी का। अच्छा 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 अच्छा, ये जो तुम्हारो जो सैलरी आन छ वो टाइम हर मिनट आप थी के फिर टाइम से आनी सैलरी आप अकाउंट में? अब इन की हमार काम तो अभी एक 15 दिन बटी भेरा शुरू, अभी पहली बार हम कर रहे मनरेगा में काम, तो अब तनखा हाल तो पता लागल, हम तो पैसा हालत हम पता दिल तब अग्नि परिक्रमा। अच्छा 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 अच्छा, तो हम दगर सा केलदार बेटे की उषा राधा देवी, तो आप सब मिलने चाहते दूसर भाई पास है। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।